हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल वेज किचन तड़का में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नाश्ते की रेसिपी जो बनेगा ब्रेड से, और ये बहुत इजीली और टेस्टी बनता है। चलिए तो इस झटपट बनने वाली रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। छोटी शिमला मिर्च ली है, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज देखिए हमारे भुन गए हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। इनको हमने ज्यादा नहीं सब्जियों को पकाना, थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। उबले हुए आलू डाल देंगे, उनको मैंने एक छोटी चम्मच नमक को अच्छे से मिला लेंगे। गरम मसाला ने 8 पीसेस ब्रेड ले लिए। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसको एक कटोरी के साथ कट कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे ब्रेड काट लेंगे इस तरह से। जो हमने आलू का मिक्सर बनाया था उसको भी हमने एक बाउल में निकाल लिया है। मैंने और इसको छोटा थोड़ा काट लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इस तरह से ऐसे आलू के मिक्सर को ब्रेड पे रखेंगे और थोड़े थोड़े किनारे इसके छोड़ देंगे। अब चीज स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे और दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख के अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके पानी में लगा के इसको जोड़ देंगे ब्रेड को दोनों को। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही इजीली जुड़ जाती है। आप चाहो तो एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा लेके उसमें पानी डाल के उसकी स्लेरी सी तैयार करके उससे भी इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे हम सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। फिर हम हाथ को गीला करके ऐसे इसको जोड़ देंगे। ये हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा
खुले मुंह वाला बर्तन लिया है हमने, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके इसमें सारे ब्रेड पीसेस डाल देंगे, देखिए। एक साइड से पकड़े के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ये देखिए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। और इसको गर्म कर आप चाहे तो किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हो। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।